Hi guys, I'm Renu Mahajan और मैं travel videos बनाती हूँ. Recently, my husband and I shifted to US. For now, we are staying here in Uptown Charlotte for around a week in a hotel. Uptown is like the most happening place in Charlotte city. यहाँ पे बहुत सारी skyscraper buildings हैं, restaurants हैं, party places, pubs, bars and there are a lot of things to do here. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपटाउन में एक वॉकिंग टूर पर लेकर जाया जाए. तो चलो चले. शार्लेट, द नेम ऑफ द सिटी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्वीन कॉन्सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज III एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन सिटी. तो ये है हयात होम्स जहाँ की अभी हम एक वीक से रुके हुए हैं. शार्लेट में ये हमारा 6th डे है एंड फाइनली आज जाकर के हमें थोड़ा सा टाइम मिला है कि हम शार्लेट सिटी एक्सप्लोर करें. बिकॉज थ्रू आउट दीज डेज वी वर बिजी एक्सप्लोरिंग फॉर आवर अपार्टमेंट एंड कल फाइनली हमने एक अपार्टमेंट फाइनलाइज कर दिया है एंड बहुत ही जल्दी आपको उस अपार्टमेंट का टूर भी मिलने वाला है. एंड फॉर नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर शार्लेट एंड लेट्स सी. अपटाउन शार्लेट में 53 ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट 212 फीट से ज़्यादा है. लेकिन आज मैं आपको अपटाउन में मौजूद टॉप 5 स्काईस्क्रेपर्स के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही अपटाउन की गलियों में घूमेंगे, यहाँ मौजूद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अपटाउन शार्लेट को अपटाउन शार्लेट क्यों बोलते हैं. बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेट सेंटर की ये बिल्डिंग ना सिर्फ शार्लेट बल्कि नॉर्थ कैरोलिना की भी नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसकी हाइट 872 फीट है और इसमें 60 फ्लोर्स हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये 37th नंबर पे आती है. 786 फीट ऊंची और 48 फ्लोर्स वाली ड्यूक एनर्जी सेंटर की ये बिल्डिंग शार्लेट एंड नॉर्थ कैरोलिना की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है. शुरुआत में इसे वसोविया कॉरपोरेट सेंटर के नाम से भी जाना जाता था. दीज डेज दिस बिल्डिंग इज नोन फॉर इट्स LED लाइट शो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स. हर्स्ट टावर के नाम से जाने जाने वाली ये बिल्डिंग अब ट्रूएस सेंटर के नाम से जानी जाती है क्योंकि रिसेंटली इस बिल्डिंग को ट्रूएस ने अराउंड $455 मिलियन में खरीद लिया था. इस बिल्डिंग में 47 फ्लोर्स हैं और ये 659 फीट ऊँची है. नॉर्थ कैरोलिना में ये 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग है. इस लिस्ट में 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम है बैंक ऑफ अमेरिका सेंटर जो कि 632 फीट ऊंची है और इसमें 35 फ्लोर्स हैं. 1 वेल्स फागो सेंटर जो कि 588 फीट ऊंची बिल्डिंग है और इसमें 42 फ्लोर्स हैं. 1988 में जब ये बिल्डिंग बनी थी तब ये नॉर्थ कैरोलिना की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी लेकिन अब ये 5वें नंबर पर है. कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हैव यू एवर नोटिस्ड दीज 4 जायंट स्टैचूज ऑन क्रॉस स्ट्रीट्स ऑफ ट्रेड एंड टायोन? वेल, सिटी सेंटर में क्रॉस स्ट्रीट पर बने ये 4 स्टैचूज 4 डिफरेंट वर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूचर. इन स्टैचूज का मीनिंग शार्लेट सिटी से जुड़ा हुआ है. The historic figures of commerce, industry and transportation represent enterprises which have contributed to Charlotte's growth as a major commercial center. While honoring Charlotte's past, the 3 figures all look towards the 4th figure, and that's the future. अपटाउन में ऐसे पोल्स पे आपको शार्लेट की हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे पॉइंटर्स देखने मिल जाएंगे. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो इसे शार्लेट ट्रांसपोर्ट सेंटर या फिर CTC बोलते हैं. यहाँ से शार्लेट के अंदर बसेस ऑपरेट की जाती हैं. बेकर्स म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में 20वीं शताब्दी के कई पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे कि पैब्लो पिकासो, एंडी वॉरहोल, मैक्स अर्न्स्ट एट्सेट्रा की 1400 से ज्यादा आर्टवर्क्स डिस्प्लेड हैं.
अपटाउन में मौजूद ये ब्लू मेंथल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर 1992 में इनॉग्रेट किया गया था एंड इट्स नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ कैरोलिनास। ब्लूमेंथल फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आईडी ब्लूमेंथल जो कि आरएससी ब्रांड्स के संस्थापक हैं। ऑल्सो ही इज द लार्जेस्ट प्राइवेट डोनर टू द कैपिटल कैंपेन। शार्लेट में द बेल्क थिएटर, बूथ प्ले हाउस, स्टेज डोर थिएटर, ड्यूक पावर हाउस एंड द नाइट थिएटर ब्लूमेंथल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ही ऑपरेट करता है। तो अब बात करते हैं कि अपटाउन शार्लेट को अपटाउन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली शुरुआत में जो शार्लेट के रेजिडेंट्स थे वो अपनी चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए ट्रेड एंड ट्रायोन स्ट्रीट्स तक अपने हॉर्सेस पे जाते थे और तब वो ऐसे बोला करते थे वी आर गोइंग अप द टाउन, और धीरे धीरे ये शॉर्ट होकर वी आर गोइंग अपटाउन हो गया एंड तब से इस एरिया को अपटाउन ही बोला जाता है। ऐसा मैंने यहाँ के एक लोकल रेजिडेंट से सुना है एंड आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना दिस थिंग, ये रेलवे ट्रैक है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी इज दिस। पूरे अपटाउन में ट्रीज के अराउंड ऐसे मेटल नेट दिखेगी जो कि मुझे लगता है कि कई कारणों से यूजफुल एंड प्रैक्टिकल है, जैसे कि इससे ट्रीज के अराउंड डस्ट नहीं उड़ेगी। ग्राउंड लेवलिंग अराउंड ट्रीज विद रोड सेम लेवल पर कर सकते हैं एंड सेम टाइम पे ट्रीज की वाटरिंग भी इजीली हो सकती है, रेन वाटर हो या वैसे भी। आई थिंक इंडिया में भी हम ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए। जैसे ही यहाँ सामने आप देखते हैं सिंबल वॉकर्स का सिंबल आता है तो यू कैन जस्ट क्रॉस द रोड एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद योर थिंग। एक्चुअली इस एरिया को शार्लेट अपटाउन एरिया बोलते हैं। यहाँ आपको सारे बैंक्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी। दिस इज़ एक्चुअली द सेंटर ऑफ द सिटी, तो इसको सिटी सेंटर भी बोलते हैं, शार्लेट सिटी सेंटर। सो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है विच मीन्स यू लाइक दिस वीडियो ऑलरेडी, इसलिए हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ US के बारे में और क्या जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। I'm coming and talking more.